गुड इवनिंग सभी साथियों, फटाफट आ जाओ, क्लास है पॉलिटी की। सबको पता है आज पॉलिटी का लेक्चर 7 है और लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस चल रही हैं और सभी लोगों को उम्मीद करते सबको अच्छे समझ में आ भी रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज की क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फटाफट सभी साथी आ जाए, सभी साथी फटाफट आ जाए। गुड इवनिंग सभी को, गेंदालाल, प्रिया सरा, सुनील, सभी को गुड इवनिंग। और फटाफट वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना। और देखिए दो तो डिसलाइक आ गए, क्यों? जैसे लगता है हमारे चेहरे में लिखा हुआ है कि डिसलाइक। कोई बात नहीं, राम 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 राम। उम्मीद करते सभी साथियों को इंतजार होगा हमारा और हमें भी इंतजार था कि अपने बच्चों से मुलाकात करने का, ठीक है। बहुत ज्यादा बेताब था मन कि बच्चों को जल्दी से जल्द हम पढ़ाए जाके, ठीक है। चलिए फटाफट आ जाओ, फटाफट वीडियो को लाइक करो, जितने लोग साथी आ जाओ। पॉलिटी लेक्चर 7, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था सबको पता होना चाहिए, क्या पढ़ा था? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट कहां से कहां तक आर्टिकल हो गए थे? 52 से 61 तक, ठीक है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर नोट्स लेके बैठ जाए, ठीक है। चलिए फटाफट आ जाओ, बहुत मजा आने वाला साथी हो। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, लाइक का टारगेट 100 तुरंत पार कर दो मेरे साथियों, ठीक है, मजा आने वाला है। हाँ नेहा जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, आपका भी नाम हमने बोल दिया। अमन जी यस, ये एमपीपीएससी के लिए भी है, सभी के लिए। फटाफट जितने साथी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट 100 का टारगेट करो। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिडेंट कवर किया था लास्ट टाइम, आज पहले तो इनके आर्टिकल एक बार रिविजन कर लेते, ठीक है, इनके आर्टिकल एक बार रिविजन कर लेते हैं। राज श्री वर्मा कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, बहुत वेट करवाते हो। बेटा कोई वेट नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कब कब मेरी क्लास होती है। मैड मैक्स मनु, आप मेरा थंबनेल देख लीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास, सभी बच्चों एक बार थम्स अप कर दो, क्लास शुरू की जाए बहुत अच्छे से। अश्विनी जी मैं अच्छा हूं, आप सभी लोग अच्छे हो कि नहीं हो? अंकुश जाट, हाँ बेटा आप बता दो अपनी बात। देखो देख इतने लोग रहे लेकिन वीडियो लाइक नहीं हो रही, हम चाहते वीडियो को लाइक कर दो फटाफट यार, ठीक है। हमारा मोटिवेशन क्या है? लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दो जल्दी से। अंकुश जाट, दिल्ली पुलिस के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो रही क्या? अंकुश जी मैं कोई वो फॉर्म अभी फिलअप नहीं कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं है, क्लियर, ठीक है। सोनू पांडे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते बेटा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लाइक करो वीडियो को फटाफट। चलिए 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 लीगल जॉब, हेलो सर आप मस्त क्लास लेते हो, मजा आएगा भी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज आपका। राष्ट्रपति हम लोगों ने कवर कर लिया था, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियां। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही अच्छे समझोगे आप लोग, एक एक प्रश्न यहां पे समझोगे, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर हो गई बात? चलिए पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो हम लोगों ने यह कवर किया था लास्ट टाइम पे लेक्चर 6 में, तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते सारे आर्टिकल को। सभी लोग कमेंट करके बताओ 52 में क्या था, 52 में क्या था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ 52 में क्या था। नमस्ते संध्या जी, सभी लोगों को नमस्ते, बहुत सारा प्यार, जल्दी बताइए 52 आर्टिकल में क्या था, जल्दी से बताइए कमेंट करके, अभी किसी का कमेंट नहीं आया, बहुत बढ़िया। मुकेश कंडेल, हेलो हेलो बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, ठीक है। चलिए 52 बताइए फटाफट कमेंट करके, 52 आर्टिकल क्या था बच्चा,
जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे शेर। चलिए बहुत बढ़िया, अंजलि, अंजलि का बिल्कुल सही है, राजश्री वर्मा का सही है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 में था, 53 में क्या आता, जल्दी से नोट से, आप लोग चीटिंग भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम रिवीजन तो हो जाएगा। 53 में क्या था, बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट बताइए, 53 जल्दी से बताइए बच्चा। चलिए बहुत बढ़िया अश्विनी, बहुत मस्त, क्या बात है, उम्मीद करते 61 तक का बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन फिर उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते अच्छे से। 53 बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। सविता, अंकित, निधि, अवकेश, मनीष, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। चलिए विजय रावत, बच्चा गलत हो गया, तीनों सेना का प्रमुख नहीं, राजश्री वर्मा गलत बेटा। 50 देखिए इसमें ओनली प्रेसिडेंट, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट की कार्यकारी, कार्यकारी का प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट, ठीक, यह कार्यकारी शक्तियां किसके हाथ में, 53 में राष्ट्रपति, कार्यकारी का प्रमुख 53। 54 में क्या था, 54 में था राष्ट्रपति का इलेक्शन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन, कैसे उसका चुनाव किया जाएगा। 55 में क्या था बच्चा, इलेक्शन का मैनर, मतलब निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। चार आर्टिकल क्लियर हो गए, चार आर्टिकल उम्मीद करते आप सभी को समझ में आ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है सभी का, बहुत बढ़िया सही, बहुत बढ़िया सही। चलिए ये हो गए 55 तक, अब बचा है 56 का, आंसर दो फटाफट, 56 57 देखते कितने लोग बता पाते हैं, 56 57 बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चा। देखिए 56 में सभी का आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया। 56 में क्या बच्चा, 56 में इनका कार्यकाल किसका, राष्ट्रपति का, कितना वर्ष होता है, 5 साल, ठीक है। 57 में बच्चा क्या बताया था हमने, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता किसमें, 57 में, ठीक है। अब यहीं पे लिख रहे थे 58 में क्या था, 58 में इसमें क्वालिफिकेशन थी, अर्हताएं, अर्हताएं थी, ठीक है। 59 में क्या था, 59 में था राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, 60 में क्या था, 60 में था शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, क्लियर हो गई बात, ओथ। और सबको पता है 61 में क्या था, 61 में था महाभियोग। जिन बच्चों को ना पता हो वो बच्चे लेक्चर 6 जरूर देखेंगे, लेक्चर 6 जरूर देखेंगे, ठीक है, लेक्चर 6 जरूर देखेंगे। अब बच्चा हम इसको यहां पर रब कर रहे हैं, अब आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं, हमने पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया। जिन बच्चों ने आज पहली बार आए हो क्लास में, लेक्चर 6 प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। चलिए आज का जो टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए नोट्स वोट्स अपने निकाल लीजिए फटाफट, बहुत ही मजा आने वाला है। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। दो प्रकार की शक्तियां होती है इसकी, दो प्रकार की शक्तियां, कौन कौन सी, इनको टेबल के थ्रू बना लेते हैं हम लोग। एक होती है सामान्य शक्ति, सामान्य शक्तियां, और एक होती है आपातकालीन, एक होती है आपातकालीन, एक होती है जनरल पावर और एक होती है इमरजेंसी पावर। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी देखते हम लोग, सामान्य शक्तियों के अंतर्गत आ जाएगी सबसे पहले जो शक्ति आपको याद रखनी, न्यायिक शक्ति, जिसको कहते हैं जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां, ठीक है। दूसरी आपको याद रखनी है कार्यकारी शक्तियां, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। तीसरी
वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां जिसको कहते हैं फाइनेंशियल पावर। चौथी सैन्य शक्तियां जिसको कहते हैं मिलिट्री पावर। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग इसको, ऊपर कर लेते थोड़ा सा आसानी से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, न्यायिक शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां। फटाफट आप लोगों को क्या करना है, सबके सब नोट्स बनाने। सही बच्चों को, बहुत बढ़िया, मुझे देर हो गई आदित्य जी। आदित्य जी कोई बात नहीं, परेशान मत हो बच्चा, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब यहां पे दो शक्तियां और हैं, एक है कूटनीतिक जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक। एक बार हमसे पढ़ के तो देखो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, एक है विधायी शक्तियां जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर। बस इन छह शक्तियों में समझे पॉलिटिका मजा चख लोगे। आपातकालीन शक्तियां, मैं आपको बता दूं तीन प्रकार के आपात लगते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। एक है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरी जो आपात की पावर है राष्ट्रपति के पास, वो है वित्तीय शक्तियां, वित्तीय, वित्तीय आपात शक्तियां। तो उधर हो गई, यहां पे वित्तीय आपात। ये तीन प्रकार के आपात हैं, ठीक है। और इनका एक चीज बहुत बड़ा योगदान याद रखिएगा, क्या, कि जो राष्ट्रीय आपात लगता है ना, वो लगता है आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत, वित्तीय आपात जो लगता है आर्टिकल 360। डिफरेंस कितने का है? चार का। कितने का? चार का। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट, जो ये आपातकालीन शक्तियां है ना, किसकी? राष्ट्रपति की। बहुत ही बेहतरीन आप तरीके से याद कर लोगे। कैसे? जो ये आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया है ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए जितने आपात हैं, कहां से कहां तक? 352 से स्टार्ट हो रहे हैं, 360 पे खत्म होते हैं। ये कौन सा भाग है पूरा? ये पूरा का पूरा भाग है, भाग 18, भाग 18, जिसमें केवल यही उल्लेख किया गया है इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबन, आप भाग 18 में। और भाग 18 कहां से कहां तक है? 352 से 360 तक। क्लियर हो गए बात? आपात, और यही आपातकालीन शक्तियां किसकी? प्रेसिडेंट की, जिसमें तीन प्रमुख हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। क्लियर हो गई बात? ये मैंने आर्टिकल बता दिए। और ये सामान्य शक्तियां, न्यायिक, कार्यकारी, वित्तीय, सैन्य, कूटनीतिक, विधायी, जिसको कहते हैं जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर और लेजिस्लेटिव पावर। क्लियर हो गई बात? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर हो गई बात? आसानी से आप इसकी टेबल तैयार कर लो, मजा आने वाला है। आसानी से आप इसको टेबल तैयार कर लो, मजा आने वाला है। सिंजनी जी परेशान मत हो, आप केवल जितना जैसे मैं करता चलू ना, उतना आप केवल नोट्स बनाते चलो, क्योंकि मैं एक लेवल पे आपको ले जाना चाहता हूं। आप पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे राष्ट्रीय आपात 352 में, लेकिन मेंस लिखने की भी जो शैली विकसित करना चाहता हूं मैं, वो आप सीखो। अगर एमपीपीएससी का भी बच्चा होगा, एमपीएसआई का होगा, जेल प्रहरी का होगा, यूपीपीएससी हो गया, याद रखिए यूपीएससी में भी आप मेंस लिख सकते हो। कैसे? जब आपको पूरा एक कॉन्सेप्टुअल पता होगा। ठीक है, टॉपिक जरूर हमने राष्ट्रपति के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट, किस प्रकार हमें क्या करना है, डिवाइड करना है पावर्स को। किसकी पावर्स को? प्रेसिडेंट की पावर्स को। और ये वाली जो पावर्स है ना, ये केवल नाम दी गई इमरजेंसी पावर्स, बट ये जो तीन प्रकार के आपात इमरजेंसी निकल के आते हैं, वो उल्लेख कहां पर है? भाग 18 में, 352 से 360। और ये 352, यही तीन अगर आर्टिकल आपको याद है, इमरजेंसी आपको याद रहेगी। ठीक है, फटाफट पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताएं, एक एक उठाएंगे। सबसे पहले उठाएंगे न्यायिक शक्तियां, तो न्यायिक शक्तियों के बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे इसमें बहुत अच्छे से। इसमें राष्ट्रपति को पांच प्रकार की सजा को क्षमा करने की शक्ति है, पांच प्रकार के क्षमा के प्रकार बताएंगे। मजा आने वाला है, आग लगने वाली है। कितने लोग हैं? इतना बच्चों को समझ में आ गया, फटाफट कमेंट करके बता दो, फटाफट कमेंट करके बता दो कितने बच्चों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया। आपको पता होगा हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसके पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से बता दो कमेंट करके बच्चा,
वीडियो को लाइक करो मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, लाइक करो भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए, मुकेश खंडेल आपको समझ में आ गया, अल्फाजों की कुमारी सलोनी टोके आपको भी आ गया, चलिए बबीता परियार आपको भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पर आप कुछ ज्यादा नहीं सीखे, हम कहते जीरो सीखे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो विकसित हो गया आपके अंदर। आज तक केवल सुनते थे राष्ट्रपति की पावर पावर पावर, लेकिन पावर होती क्या, कैसे होती है, क्या क्या होंगी, अब इनके अंदर चीजें निकल के आएंगी। अभी आप अध्यादेश की बात कर दें, ठीक है, किसमें है यह नहीं पता, यही तो हेडिंग होती है। जब आप हेडिंग सीख जाओगे, छोटी छोटी चीजें तो आपको समझ में आई जाएंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुमारी ममता, बेटा इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पीडीएफ मैं बनाता नहीं हूं। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको, ये मान लीजिएगा, ये गारंटी हमारी, ठीक है। चलिए, सभी को आ गया ना, बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो मेरे साथी, मजा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग क्या होगी, न्यायिक शक्तियां, ठीक है, इसको ऊपर करते हैं। तो राष्ट्रपति की सबसे पहले पावर में कौन सी पावर है, न्यायिक शक्तियां, मतलब जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर, ठीक है। सबसे पहली शक्ति आपको याद रखनी, बहुत सिंपल सी बताऊंगा, बताओ क्यों सिंपल सी, इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपको आसानी समझ में आए, आसानी से आपको समझ में आए, समझिए क्या समझना है आपको, क्षमादान करने की शक्ति। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत सबसे पहले आता है क्षमादान करने की शक्ति, क्षमादान करने की शक्ति। अब यहीं पेपर में क्या प्रश्न आता, पेपर में प्रताप, अब यहां पे वन लाइनर, यहां पे प्रश्न क्या बनता बच्चा, यहां पे वन लाइनर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत क्षमादान कर सकता है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 72 के तहत क्षमादान कर सकता है। बालक मैं आपको समझो पूरा 360 घुमाऊंगा, पूरा 360 घुमाऊंगा, क्यों घुमाऊंगा पता है आपको, क्योंकि आप पढ़ते हो समझते हो लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आप नहीं पढ़े हो, रटते हो, मैं आपके सीधे दिमाग में फिट करूंगा, ठीक है। चलिए मजा आएगा आपको। तो क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत, जब मैं कंपैरिजन करूंगा पॉलिटी का किसके साथ, जब आप यहां पर राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ोगे जाके राज्य वाले भाग में राज्यपाल, कंपैरिजन करूंगा आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट अलग पढ़ा लूं, पहले राज्यपाल अलग पढ़ा लूं, फिर जाके मैं कंपैरिजन बीच में रख के करूंगा, तब आपको भी मजा आएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, केवल आप सुन लोगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं उनको केवल नोट डाउन करो। क्षमादान करने की शक्ति ये भी कितने प्रकार की होती, इसमें भी पेपर में आता है कि इसकी थ्योरी है कि कैसे आते हैं, तो देखते हैं इसमें 5 प्रकार के आते हैं, कौन कौन तो बताते हैं हम लोग। सबसे पहले क्षमा, विराम, लघुकरण, अभी सबका मैं बताऊंगा, एक मिनट में अभी आपको याद हो जाएगा, एक मिनट में याद हो जाएगा ये मान लीजिएगा, ठीक है। परिहार और प्रविलंबन, प्रविलंबन। अब राष्ट्रपति कितने टाइप के क्षमादान कर सकता है, 5 टाइप के कर सकता है, ठीक है, 5 टाइप के कर सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, वर्षा गुर्जर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आप समझते चलना। 5 प्रकार की शक्तियां होती क्षमादान के अंतर्गत, अब इनमें एक एक टाइप निकालते हैं, इनको कैसे क्या आप कहां पर क्या लगाओगे, ऑप्शन आ गया, ये किसके अंतर्गत, क्षमा के अंतर्गत, विराम, लघुकरण, ठीक है, पूरा का पूरा ये 5 किसके अंडर में आ रही, 5 के 5 अंडर में आ रही, किसके, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। अब एक एक देखते हैं, सबसे पहला इसमें जो देखेंगे वो हम लोग कौन से देखेंगे,
सबसे पहले देखेंगे क्षमा, जिसको बोलते हैं पार्डन, ठीक है, क्षमा। क्षमा का मतलब क्या होता, हमने कोई अपराध किया, अपराध किया, उसके बाद किसी से माफी मांगे, हमें माफ कर दो। ये घर में मान लो हमने बहुत कोई अपराध कर दिया, उसके लिए मम्मी पापा से माफी मांगे, फिर मम्मी पापा के मन में कोई द्वेष भावना नहीं रहेगी, हमारे लिए कोई भी उनके मन में डाउट नहीं रहेगा, हम पहले भी उनके जैसे बालक थे, आज भी उनके लिए ऐसे हैं। तो वही वाला सेम हाल है, राष्ट्रपति क्षमा कब करता है, और ये क्षमा शब्द पता कहां पे आता है, क्षमा शब्द मैं बता देता हूं, जब कोई दोषी या अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाता या कोई सजा दी जाती है, आजीवन कारावास, 10 साल का कारावास या मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो जब अगर राष्ट्रपति, देखिए जो जैसे मान लीजिए हमने कोई अपराध किया, सबसे पहले कहां पे हमारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी, उसके बाद सिविल कोर्ट, जो जिला न्यायालय की कोर्ट होती वहां पर वो जाएगा केस, वहां से जो सजा मिलेगी, उसके बाद हम अपील कहां कर पाएंगे, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी हमें सजा मिल गई, फिर उसके बाद हम अपील कहां कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे। तो वही है कि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए तीनों जगह से सजा पा गया, अब उसके पास चारा क्या है, फांसी दे दी गई हमको, अब चारा क्या है, एक लास्ट याचना हमारे लिए रह जाएगी राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास हमारी लास्ट याचना रह जाएगी, और यही राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान करने की शक्ति का प्रावधान किया गया संविधान में। पांच प्रकार की क्षमादान करने की शक्तियों के बारे में बताया गया। तो यह सजा का प्रावधान समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर हम कहीं पर भी केवल याचना कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं राष्ट्रपति क्षमादान करे या ना करे, उसके विवेक पर निर्भर है, उसके विवेक पर निर्भर करता है कि मतलब वो हमें क्षमा दे या ना दे, लेकिन हम एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये पांच प्रकार से वो सजा कम कर सकता है, कैसे, सारी चीजें हम देखते हैं। तो ये हम चीज रफ कर देते हैं जरा, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गई होगी। तो क्षमा का मतलब क्या है, क्षमा का मतलब यही होता है पूरी तरह माफ, पूरी तरह माफ। जैसे हमको मृत्यु दंड भी है, अगर उसने क्षमा कर दिया तो पूरी तरह माफ, हम फिर से वही जीवन जिएंगे, ऐसा लगेगा हमने कोई अपराध ही नहीं किया है। क्लियर हो गई बात, ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा जैसा लगता हमने कोई अपराध ही नहीं किया है ये। लेकिन राष्ट्रपति तभी तो करेगा जब उसको उसके बारे में पूरे क्या हो, प्रूफ मिले होंगे। और सिंपल सी बात, सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति पास जाना अगर उसके विवेक पे निर्भर करता है कि वो व्यक्ति इस सजा के लायक है कि नहीं। तो क्षमा का मतलब क्या हुआ, पूर्णता माफ, पूरी तरह माफ, पूर्णता माफ, चाहे मृत्युदंड हो चाहे सजा हो, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और पहले जैसा जीवन अपना व्यतीत करेगा। कितने बच्चों को मजा आ रहा है यह बता दो, कितने बच्चों को मजा आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बता दो, वीडियो लाइक कर दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो, पूरी तरह माफ, कितने बच्चों को मजा आ रहा है यह कमेंट करके बता दो साथियों, एक बार जीएल साहब थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूर्णता माफ से मतलब होता है, ठीक है, क्षमादान में याद रखिएगा, मजा आया सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्षमादान का मतलब यही होता है कि उसने कोई अपराध ही ना किया हो, बच्चा याद रखिएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया, क्या बात है, क्या बात है साथी, पूजा धाकड़ बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर आप, सर आपके पहले एक वीडियो मिल जाएंगे। यस सुदीक्षा जी, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चा, क्षमा हो गई, क्षमा के बाद जो दूसरा हम लोग समझेंगे अच्छे, जो हमें समझ में आ जाएगा वो क्या है, वो हम लोग समझेंगे प्रलंबन नहीं, दूसरे नंबर पे समझेंगे, सॉरी प्रलंबन ही समझते हैं, ठीक है। लीगल जॉब, मजा आया सर आपका समझाने का तरीका, ये लगा है, थैंक यू लीगल जी। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है सामने,
प्रविलंबन, प्रविलंबन जिसको कहते हैं रिप्राइज, ठीक है। प्रविलंबन का क्या मतलब है? क्षमा का मतलब तो समझ गए आप, प्रविलंबन का मतलब क्या है? प्रविलंबन यहां पे एक कांसेप्ट पकड़ना, क्या? विलंबन मतलब विलंब हो रहा, ठीक है। अब ये केवल पता है ये वाली शक्ति कब प्रयोग करेगा राष्ट्रपति, समझ लो, जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हो, जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल गया सुप्रीम कोर्ट से कि आज इतनी तारीख को इस व्यक्ति को फांसी दे दी जाएगी, क्लियर है बात, फांसी दे दी जाएगी, तो राष्ट्रपति के पास वो अपील जाती है, याचना जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर प्रविलंबन नामक शक्ति का प्रयोग करेगा। इसमें जो मृत्युदंड दी गई है उसको टेम्परेरी रूप से, उसको टेम्परेरी रूप से क्या कर सकता है, अस्थाई रूप, अस्थाई रोक लगा सकता है। अस्थाई रोक का मतलब क्या हुआ, समझा रहा हूं मैं, देखिए टेम्परेरी परमानेंट के भी फर्क है। परमानेंट शब्द अगर मैं कह देता मतलब स्थाई, तो उसका मतलब हो जाता कि मृत्युदंड है, अब इसको मृत्युदंड नहीं होगी, उसमें स्टॉप। लेकिन यहां पर क्या शब्द आ रहा, अस्थाई रोग। प्रविलंबन के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को या किसी दोषी को मृत्युदंड सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुना दी गई है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत प्रविलंबन के माध्यम से उस मृत्युदंड पर अस्थाई रोक लगा सकता है। अस्थाई रोक का मतलब है कि जो दोषी है उसको कुछ समय के लिए क्या देना, एक चांस देना कि अपने खिलाफ वो सबूत प्रस्तुत कर दे कि वह अपराधी नहीं है, इसीलिए उस पर अस्थाई रोक लगती है मृत्युदंड पर। वो कौन सा टाइप होता है, वो होता है प्रविलंबन, और प्रविलंबन का मतलब विलंब, विलंब का मतलब रोक लगना, ठीक है। विलंब का मतलब क्या हुआ, देरी, मृत्युदंड आज दी जानी थी, तो प्रविलंबन के माध्यम से क्या हुआ, टेम्परेरी रूप से उसको स्टॉप करके कुछ दिन आगे एक्सटेंड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते आपको ये भी समझ में आ गया होगा, सभी साथी फटाफट मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए प्रविलंबन भी उम्मीद करते सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, मजा आ जाएगा आपको, परेशान मत होना, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, अगला देखते हैं परिहार, क्या देखते हैं, परिहार, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, परिहार। तो परिहार में देखते हैं बच्चे बहुत अच्छे से, मजा आ जाएगा आपको। सी पॉइंट, क्या नाम है, परिहार। अब भैया परिहार शब्द सुने हो आप लोग, छत्री, छत्री वंश में परिहार एक कास्ट होती है, मतलब ठाकुरों की, ठीक है। तो समझिए बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा तो समझिए, एक शब्द में लिखूंगा, दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन, दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन, बिना परिवर्तन, ठीक है। और एक शब्द मैं और लिखूंगा यहीं पर, यहां परिहार हो गया लघुकरण, क्योंकि जब दोनों एक साथ लिखूंगा तभी आपको समझ में आने वाला है, तभी आपको समझ में आने वाला है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन, दंड की प्रकृति में परिवर्तन, तो शब्द समझो, मेरे शब्द क्या कह रहे हैं, परिहार कह रहा है, क्या कह रहा परिहार, दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन। जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति को मान लो कठोर कारावास मिला हो, क्या मिला हो, कठोर कारावास मिला हो, कठोर कारावास मिला हो, मतलब काले पानी की जो जेल होती है, जहां पे ऐसी जेल जहां पे सूर्य की रोशनी भी ना आती हो,
कठोर कारावास मिला हो, कितने साल के लिए मिला हो, 2 वर्ष के लिए मान लीजिए मिला हो, ठीक है, तो दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन, प्रकृति का मतलब उसको क्या सजा मिली है, सजा उसको मिली है कि 2 साल का कठोर कारावास, मतलब काले पानी की जेल, जहां पर उसको सूर्य की रोशनी भी ना प्राप्त हो, क्लियर बात, तो एक कठोर कारावास हुआ 2 साल, तो इसमें क्या है, दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन, कहने मतलब कठोर कारावास उसको मिला तो कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास याचना करेगा तो राष्ट्रपति उसकी जो उसको सजा मिली है उसको नहीं बदल पाएगा, लेकिन बिना परिवर्तन किए उसकी अवधि में जरूर कम कर सकता है, परिवर्तन किए अवधि को कम करना, अवधि को कम करना, अवधि को कम करना, जैसे बहुत अच्छे समझिए, क्या समझेंगे आप, अवधि को कम करना, 2 साल थी, 2 साल से घटाकर क्या कर दी गई सजा, 1 साल तक, अब उसको कठोर कारावास सजा रहेगी, लेकिन 2 साल उसकी सजा थी, अब वो 1 साल तक उस सजा को काटेगा, उसके बाद वो रिहा हो जाएगा, ये है परिहार, मतलब दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए सजा की अवधि को कम करना, ये क्या है, ये है परिहार, क्लियर बात, लघुकरण क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन, परिवर्तन किए सजा की अवधि को कम करना, कहने मतलब है उसको जैसे यहां पर कठोर कारावास मिला है, कठोर कारावास मिला है, कठोर कारावास ये दंड की प्रकृति है, दंड की प्रकृति से ये परिवर्तन परिवर्तित हो गया, किसमें परिवर्तित हो गया, तो जरा देख लेते हैं, कठोर कारावास से परिवर्तित हो जाएगा साधारण कारावास में, तो आपने क्या देखा, दंड की जो प्रकृति थी वो पहले क्या थी, कठोर कारावास, अब क्या हो गई, साधारण कारावास, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करके अवधि को कम करना, कहने मतलब भैया हमको 2 साल का कठोर कारावास मिला, लेकिन प्रकृति को क्या कर दिया जाए, मतलब हमारा कठोर की जगह साधारण कर दिया जाए, साधारण, तो ये राष्ट्रपति के पास जो याचना जाती है, और वो जब दंड की प्रकृति को बदल देता है तो वो कहलाता है लघुकरण, और जब दंड की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करता है वो कहलाता है परिहार, आ गई बात समझ में, बालको फटाफट कमेंट करके बता दो, मजा आ जाएगा, अब मजा आ जाएगा, जल्दी से बता दो बच्चा, जल्दी से बता दो मेरे साथियों, मेरे बालको, किसको किसको मजा आया, किसको किसको 4 क्षमादान के प्रकार आज बिल्कुल रट गए, और कैसे याद होगा, परिहार शब्द आ रहा, क्या आ रहा, परिहार, देखो ट्रिक, ठाकुर लोग, ठाकुर लोग अगर गोली मारना है तो मारना है, कोई अपने आप पे मत लीजिएगा, केवल एज एग्जाम्पल समझा रहा हूं, परिहार शब्द, देखो छत्री जो होते, छत्री महाराणा प्रताप जो प्रण कर लिए वो होगा जरूर, हमको इसको यही सजा देनी है तो यही देंगे, तो दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन, लघुकरण, लघु मतलब छोटा करना, सजा थी पहले भारी अब उसको मिल गई छोटी, क्लियर हो गई बात, चलिए सभी को मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, तो वीडियो को शेयर कर दो ना मेरे साथियों, मेरे बाल को, हाँ लीगल जाप 360 डिग्री पे घूम गया, बहुत बढ़िया, चलिए बेसु प्रसाद मजा आ गया, अच्छा देखिए सभी लोग जब वीडियो एंड हो जाया करें ना उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू दीजिए करिए एक बार फिर से वीडियो को देख के, और तब बताया करिए कैसा लगा आपको पढ़ने में, पुष्पेन जी परेशान मत हो, बहुत ही जल्द डेली क्लास लूंगा, बहुत ही जल्द डेली क्लास लूंगा, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रात में 8 बजे, सैटरडे और संडे सुबह 8 बजे, अभी तो क्लास जो चल रही है कल सुबह 8 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ आपके सामने मौजूद रहूंगा, और कल जो आपका सोलर सिस्टम था उसका कल टेस्ट है 100 क्वेश्चन का, तो सभी लोग सोलर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चलिए चलिए, अब लास्ट बचा है मेरे साथी, मेरे बालको, मेरे बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा, अब आखिरी बचा है जिसको कहते हैं विराम, क्या बोलते हैं विराम, ई नंबर क्या है विराम, विराम का मतलब ही समझ रहे होगे,
विराम का मतलब क्या है? विराम मतलब रुक गए, आराम। ठीक, इसमें क्या है? देखिए, इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सजा की मात्रा को कम कर सकता है, सजा की मात्रा को कम कर सकता है, लेकिन कब? विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल सिचुएशन में, विशेष परिस्थितियों में। जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, बट वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिला, तो उसको मर्डर के जगह उसको क्या मिल गई? उसको मृत्युदंड मिल गया, फांसी मिल गई। तो इसकी मात्रा को कम कैसे करेगा राष्ट्रपति? तो इसकी मात्रा को कम ऐसे कर देगा कि गर्भवती महिला की जो मृत्युदंड थी उसको रोककर उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया, उसको रोककर उसकी आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? लीगल जॉब बीपीएससी के वैकेंसी आने, सर आपने कल क्लास लीजिए प्लीज। बेटा लूंगा, क्यों परेशान हो? क्यों परेशान मत हो मेरे बाल को, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो इसकी मृत्युदंड थी उसको किसमें परिवर्तित करना? साधारण कारावास में परिवर्तित कर देना। किसमें? गर्भवती महिला को है विशेष परिस्थितियों में, उसको मृत्युदंड मिल गया, उसको साधारण कारावास में परिवर्तित कर देना, साधारण कारावास में चेंज कर देना। ये हो गया विराम। अब एक बार हम लोग देख लेते, पांच के पांचों क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते फटाक से, देखिए छोटा हो गया ना, थोड़ा सा और छोटा कर ले तो और अच्छा से दिखेगा। चलिए, ये पूरा का पूरा हमने पढ़ाया, ये पूरा का पूरा हमने आज पढ़ाया। अभी देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां सामान्य आपातकालीन, जिसमें हमने न्यायिक शक्तियां में पहला पॉइंट आपको बताया था, क्या बताया था? क्षमा दान करने की शक्ति, आर्टिकल 72। क्लियर बात? आर्टिकल 72 पढ़ाया, इसके तहत पांच प्रकार की क्षमा, विराम, लघुकरण, परिहार, प्रलंबन। क्षमा क्या था? पूरी तरह माफ। प्रलंबन, जैसे किसी को मृत्युदंड है तो टेम्परेरी स्टे लगाना, अस्थायी रोक, ठीक है। परिहार में दंड की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए अवधि को कम करना, मतलब दंड का जो नेचर है वो नहीं कम होगा, नेचर ऑफ पनिशमेंट नहीं कम होगा, परंतु उसकी जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाना। लघुकरण में, इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और विराम में सजा की मात्रा को कम कर देना, जैसे विशेष परिस्थितियों में होता है, जैसे गर्भवती महिला को मृत्युदंड है तो उसको साधारण कारावास में बदल देना। क्लियर हो गई बात? आसानी से बात समझ में आ गई ना? चलिए, सुदीक्षा सिंह कह रहे थोड़ा जूम कीजिए। बेटा हम केवल रिवीजन करवाएं, आप लोग खुद ही नोट्स बन गए होंगे, ठीक है, खुद ही नोट्स बन गए होंगे। तो इस प्रकार हमारी न्यायिक शक्तियों का एक पार्ट तो पूरा का पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। अब हमने इसको जूम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जूम नहीं होगा, इससे जूम कर देंगे फिर बोर्ड भर जाएगा, और हम चाहते हैं इसको पूरा का पूरा आप लोगों को दिखाना, ठीक है। इसीलिए तो सभी साथियों को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, मजा भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, इसी बात पे लाइक कर दो मेरे साथी, सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट बढ़े हम लोग, बहुत अच्छा पॉइंट है ए बी। चिंटू जी, पॉलिटी कितने लेक्चर में पूरा हो जाएगा? ये तो हमें भी नहीं पता कितने लेक्चर में पूरा होगा, पूरा करने तो मैं एक लेक्चर में पूरा कर दूं, वन लाइनर पढ़ा जाऊं। चलिए बहुत बढ़िया,
आगे बढ़े। चलिए सभी लोग कह रहे हैं सर आगे बढ़िए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चंद्रवान लोधी सर आपके पढ़ाने का तरीका, चलिए बेटा कोई बात नहीं, सब बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का इतना प्यार। दूसरा बेटा ये न्यायिक शक्तियों में पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया, क्षमादान करने की शक्ति। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट है परामर्श करने का अधिकार, परामर्श करने का अधिकार, पावर ऑफ, या एक तरह से कह सकते हो राइट टू कंसल्ट, परामर्श करने का अधिकार। परामर्श का आप समझ ही रहे होंगे, मतलब कंसल्ट, जैसे आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर को दिखाने जाते हो, आपको परामर्श देता है, सलाह देता है। तो राष्ट्रपति के पास ये है, और ये परामर्श करने का अधिकार कौन सी शक्तियों के अंतर्गत आता है, उसका न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है, जुडिशियल पावर के अंतर्गत ये उसकी पावर आती है, किसकी, प्रेसिडेंट की। क्लियर है बात, और सिंपल सी बात है, अब सुनो बहुत ध्यान से, परामर्श करने का अधिकार आर्टिकल 143, इसी माध्यम से मैं आपको सारे आर्टिकल रटवा दूंगा 360 पे, ठीक, जैसे आर्टिकल 72 पता चल गया उसी प्रकार आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत क्या है, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। किस मामले में, जब कोई कानून का ऐसा मामला हो, ठीक है, या कोई सार्वजनिक महत्व हो जिस पे मान लो वो अधिकार का हनन हो रहा हो, या कुछ ऐसे मामले जैसे विधि या सार्वजनिक महत्व का मामला हो, तो यहां पे मैं लिखी भी दे रहा हूं कौन कौन से मामले हो सकते हैं, मतलब विधि जिसको कहते हैं कानून, और यहां पे दूसरा मामला कौन सा हो सकता है, सार्वजनिक महत्व। अगर इन दोनों महत्व पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत, परंतु उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। क्लियर है बात, हमने पिताजी से कोई बात कही जरूरी नहीं पिताजी बात मान जाए, सलाह ले सकते हैं बच्चा ये ऐसा करे ना करे, लेकिन जरूरी नहीं मान जाए। तो प्रेसिडेंट को यह शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 143 के तहत, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है किसी विधि या कानून के मामले में या सार्वजनिक महत्व के मामले में, परंतु उस सलाह को मानने के लिए जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 143 अगर आप भूल रहे हो तो बहुत अच्छे से सभी यंगस्टर को पता होगा 143 का मतलब क्या है, वो लोग सब अलग ही बात भाषा में बहेंगे, ठीक है। तो 143 आसानी से आप बता सकते हो कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से प्यार है। क्लियर बात, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से प्यार है, और वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह इसीलिए मान सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को ज्यादा प्यार है इसीलिए वो मानने के लिए बाध्य नहीं। तो उम्मीद करते ये आर्टिकल कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ये आर्टिकल कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बता दो बच्चों कितने बच्चों को यह चीज समझ में आ गई, और कभी भूल पाओगे क्या इसको। देखिए मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल एक, देखिए सिजनी पटेल जी हंस रही है, बेटा हंसने की बात नहीं है, समझिए आप बात को, आप बात को समझिए। चलिए कितने लोगों को समझ में आ गया, फटाफट बताइए। कितने लोगों को समझ में आ गया कमेंट करके बताओ। चलिए नितेश जी कह रहे हैं 143 का मतलब आई हेट यू, तो आप आई हेट यू में याद रखे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से नफरत है। चलिए सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जेएमएस पॉलिटेक्निक क्लासेस प्लीज सर क्लास रेगुलर हो, बहुत जल्द हो जाएंगे बेटा, सितंबर से पूरी कोशिश है कि क्लासेस हमारी रेगुलर आपको मिलेंगी, ठीक है। अनिल धाकड़ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, चलिए दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए ना, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है साथियों, मजा आ जाएगा अब तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चलिए तीसरा पॉइंट,
अच्छा राष्ट्रीय कर्मा कह रहे हैं ये डेली आर्टिकल याद आएगा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ राम सिंह, कोई भी माध्यम हो बस याद रहना चाहिए, बहुत बढ़िया। पर अनूप पंडित बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा पॉइंट, तो दो पॉइंट हो गए, न्यायिक शक्ति जुडिशियल पावर के अंतर्गत दो हो गए, एक क्षमादान करने की शक्ति, एक परामर्श करने का अधिकार। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा और जूम होगा नहीं होगा, अरे बहुत ही मतलब वो हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा साइड में भेजते हैं यहां पे, ठीक है, नहीं अब इसको ऊपर ही भेजना पड़ेगा वरना ये मानेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब जो तीसरा है न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत तीसरी शक्ति जो राष्ट्रपति की है वो क्या है? देखते हैं, अपॉइंट ऑफ जजेस कहां कहां के, दो, एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट। क्या समझ में आया यहां पे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 124 के तहत, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके न्यायाधीश की नियुक्ति करता है आर्टिकल 217, ठीक। तो तीसरा पॉइंट क्या है उसका न्यायिक शक्तियों का, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अपॉइंटेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जज, आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जज। कितनी आसानी से याद हो रहे आर्टिकल, कितनी आसानी से याद हो रहे, हमने आर्टिकल 52 से 61 तो बिल्कुल रट डाले, उसके बाद आज एक एक पॉइंट पढ़ रहे तो आर्टिकल आ रहे हैं। पहला 72 पता चल गया, 143 पता चल गया, 124 पता चल गया, 217 पता चल गया, और कितना मजा आ रहा है, क्यों? चलिए अब बताओ ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई, ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई। फिर आगे बढ़े हम लोग, फिर आगे बढ़े, एक एक समझाऊंगा, एक एक पूछूंगा, मुझे आपके दिमाग में फीड करवाना है ना कि रटवाना, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे साथी, चलिए रियल बुंदेलखंड, और समझो बेटा क्या समझो, इसमें कुछ नहीं है। चलिए याद हो गए, चलिए सभी को रिपीट, अच्छा रिपीट अर्चना अर्चु, इसमें रिपीट कुछ नहीं करना बच्चा, कुछ नहीं करना रिपीट, सुप्रीम न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्लियर हो गई बात? चलिए पुष्पराज गहलोत, इंदौर में लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लास लगती है, बेटा ऑफलाइन कोचिंग अभी लक्ष्य ऑफिशियल की नहीं है, ठीक है। चलिए राम सिंह घोष 124 बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों एक एक चीज आपको क्या करनी है, समझनी है, ठीक। अब यहां पे देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट, न्यायिक शक्तियों में चौथा पॉइंट। देखिए बहुत बच्चे कहेंगे सर इतना डीप पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को मैं बता दूं, पढ़ते आप भी हो, पढ़ते वही चीजें आप भी हो, फर्क क्या है, ये लोग मेंस तक का एक अच्छे लेवल की तैयारी कर, और रटेंगे नहीं, इनको दिमाग में 24 घंटा नाचेंगे चीजें, ठीक है। और आप लोग क्या है, वन लाइनर लिखे पड़े हो, आर्टिकल इतने के तहत ये काम किया जाता है, रट रहे हो, ठीक है, हमको रटवाना नहीं है। पुष्पराज गहलोत बता दिया बच्चा, चलिए आर्टिकल इसमें क्या है, चार में देखिए चुनाव होते हैं, ठीक है, चुनाव होते हैं। अब जो चुनाव होते हैं लोकसभा संसद के सदस्यों के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। अब एक चीज बहुत अच्छे से बात समझना थी, क्या जितने भी संसद के सदस्य होते हैं चुनाव के टाइम पर अगर वो किसी कारण
अयोग्य पाए जाएं, अनइलिजिबल पाए जाएं, तो ये चीज पता कौन करता है कि ये अनइलिजिबल है? ये चीज पता कौन करता है अनइलिजिबल है? ठीक है, मतलब वो संसद सदस्य, यहां के जो सदस्य हैं वो क्या पाए जाए? अयोग्य। इस चीज का निर्णय कौन करता है? इस चीज का निर्णय कौन करता है? तो याद रखिएगा, अयोग्य, इनकी अयोग्यता का निर्णय सुनिश्चित कौन करता है? आर्टिकल 103 के तहत, 103 के तहत राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है, चुनाव आयोग की सलाह पर करता है। किन किनकी अयोग्यता पर निर्णय? संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय कौन सुनिश्चित करता है? राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर, आर्टिकल 103 ए बी इसकी जुडिशियल पावर है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ये भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं? समाप्त। फटाफट नोट डाउन कर लो, एक बार कमेंट करके बता दो। किसी बच्चों को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये पूरी की पूरी राष्ट्रपति की शक्तियां हो गई। कौन सी? बहुत बच्चे कह रहे हैं 124, फिर से बता दो बच्चा। 124 में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 124 के तहत। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 217 के तहत। और इसमें क्या है? और इसमें कुछ नहीं है, फालतू परेशान हो इतना ज्यादा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट भी उम्मीद करते आप सभी को समझ में आ गया होगा। न्यायिक शक्तियां बिल्कुल रट गई होंगी मेरे साथियों। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन, फिर आगे बढ़े। जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़े फटाफट। रवि जाटव आर्टिकल 222 पूछ रहे हैं। रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चा, थोड़ा सा भी धैर्य बनाए रखो। अगर आप हमको पढ़ाने दोगे तो हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। आपको क्वेश्चन बाजी करनी है तो क्वेश्चन कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एक चीज रिलेट करने दो मेरे बालक। ठीक है, आपके क्वेश्चन का हमने टाइम दे दिया, आप संडे को रात में 8 बजे आपने क्वेश्चन पूछा करिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हमको अपने हिसाब से भी चलने दो। बाद में 222 बताऊंगा, हाईकोर्ट से रिलेटेड है। वहां पर चंद्रवान लोधी सर, चार पॉइंट समझ नहीं आया। बेटा चार पॉइंट कुछ नहीं है, जितने चुनाव होते हैं कहां के चुनाव होते हैं? सांसद, संसद के, पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा के। वहां पे जो लोग सांसद बनते हैं सदस्य, उनके बहुत लोग तो अयोग्य भी होते हैं ना, उन पे निर्णय कौन लेता है? जैसे मान लीजिए हम कोई पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यूपीपीसीएस में या एमपीपीसीएस में अप्लाई किया, ठीक है, अब वहां पे मान लीजिए हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, उस पर निर्णय कौन ले रहा? आयोग ले रहा। उसी प्रकार इनकी जो अनएलिजिबिलिटी है, बहुत सदस्य होंगे जो कंडीशन को फॉलो नहीं करते होंगे, उनकी अयोग्यता पर निर्णय कौन लेता है? आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर लेगा। और क्या इसमें टफ है बच्चा? चंद्रबान लोधी, अब तो समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा का पूरा रिपीट कर दिया बालक, अब तो पूरा का पूरा रिपीट कर दिया। अब अगला आप लोग डाल लीजिए क्या, अब अगला डाल लीजिए वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पावर। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया ना, न्यायिक शक्तियां हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां मतलब फाइनेंशियल पावर, तो देखते हैं राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर क्या क्या है। राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर क्या क्या है देखते हैं अच्छे से, उम्मीद करते सबको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए
नरेंद्र धाकड़ ये सब लोग क्यों यार राज्यपाल का विशेष भाषण सब बताऊंगा। एक राज्यपाल पढ़ रहे हो क्या? पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो, तभी तो आप लोग परेशान रहते हो क्योंकि एक दूसरे का बताने के चक्कर में पड़े हो ना, अपना नहीं पढ़ रहे हो, अपना नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं सक्सेस हो पा रही? इसलिए नहीं सक्सेस हो पा रही क्योंकि वहां बच्चा अपना नहीं पढ़ने आया, वहां पे दूसरे के कमेंट देखने आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। और जिस दिन से तुमने अपने आप पे सिर्फ कंसंट्रेट किया ना, तब आप आगे निकल जाओगे, वरना इन्हीं चक्रों में केवल पढ़ते रहोगे बस। ठीक है, याद रखिएगा, मैं चाहता हूं आप लोगों को एक अच्छे से अच्छा बनाऊं, बट आप लोग बनने नहीं चाहते हो। नरेंद्र दादा सॉरी की बात नहीं बेटा, बात बता रहा हूं कि अभी बीच में देखो राष्ट्रपति चल रहा, राष्ट्रपति से रिलेटेड बात करो। वित्तीय शक्तियां बताई, वित्तीय शक्तियों के बारे में बताओ। देखिए सबसे पहला, वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति एक, राष्ट्रपति को एक शक्ति, अब एक शक्ति है वित्त आयोग का गठन की, राष्ट्रपति को एक शक्ति प्राप्त है कहे कि वह वित्त आयोग का गठन कर सकता, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कर सकता है। अब राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन तो करता है, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है फाइनेंस कमीशन की। क्लियर है बात? जब फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे तब हम लोग पूरा चीज पढ़ लेंगे, वरना अभी बताने बहुत है यहाँ पर कि 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, पहले इसके दो अध्यक्ष के केसी नियोगी थे। ठीक है, 15वें एनके सिंह है, लेकिन यहाँ पे केवल इतना याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन कौन करता है। सिंपल सी बात, जब वित्त आयोग का गठन यही करता है वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत। अब जितनी भी आर्थिक संकट के समय है ना, वित्त आयोग से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, वित्त मतलब आर्थिक पावर, पैसे। ठीक है, आर्थिक संकट के समय में राष्ट्रपति इससे सलाह ले सकता है। तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गई बात? दूसरा यहां पर क्या पढ़ेंगे हम लोग? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में संसद में आय व्यय इनकम एक्सपेंडिचर। आय व्यय का मतलब क्या होता है? बजट। बजट नाम सुनते हो, बजट को क्या बोलते हो? आय व्यय का लेखा जोखा, जो इनकम आई और जो खर्च किया गया उसी का जो लेखा जोखा, उसको बोलते हैं बजट। वर्ष के प्रारंभ में जब पहला सत्र होता है, प्रारंभ में संसद में आय व्यय मतलब बजट का विवरण प्रस्तुत करवाना कि मतलब इस बार कहां पर कितना रुपया लगेगा। ठीक है, अब करता है ये मंत्री, जो मंत्री जैसे वित्त बजट प्रस्तुत होना है तो कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा, रेल बजट रेल मंत्री। लेकिन कर किसकी अनुमति से होता है? ये होता है राष्ट्रपति की अनुमति से। ये भी एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है तो याद रखिएगा यहां पर, ये जो बजट वाला मामला है पूरा, आर्टिकल 112। और ये राष्ट्रपति की वित्तीय पावर के अंतर्गत आता है फाइनेंशियल। तो देखो कितने प्यार से समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छे समझ में भी आ रहा, अच्छे से आप नोट्स भी बना लोगे, अच्छे से पूरा का पूरा आपको मजा भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा का पूरा आपको समझ में भी आ जाएगा, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। पूजा धाकड़ जी कह रही हैं कि नरेंद्र जी आपको तो चुप, अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं। प्रवीण आना, आर्टिकल 80 की बात ही नहीं हुई बच्चा। प्रवीण जी हम 280 की बात कर रहे थे। ठीक है, क्यों इतना ज्यादा आप लोग परेशान हो फालतू का। चलिए देखिए अगली बात यहां पर, जब जो मनी बिल होता है, धन विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक और जितने भी अनुदान हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना
सदन में नहीं लाए जाते, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना सदन में नहीं लाए जाते, याद रखिएगा। तो ये जो धन विधेयक है, मनी बिल आर्टिकल याद रखिएगा 110, मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 के तहत है। क्लियर है बात? आर्टिकल 110 के तहत जब मनी बिल के बारे में चर्चा करेंगे पूरे अच्छे से करेंगे। अभी वित्तीय शक्तियां पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है, वर्ष के प्रारंभ में संसद में आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाना आर्टिकल 112 के तहत। ये जितने भी विधेयक हमने बताए ये राष्ट्रपति की अनुमति के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं किए जाते। क्लियर है बात? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे इमरजेंसी लगी हो, जब इमरजेंसी लगी होती है तो मंत्री तो बजट ला नहीं सकते, ठीक। तो यहीं पर एक प्रश्न बनता बहुत अच्छे से, ये बजट हो गया ना, एक प्रश्न बनता बहुत अच्छे से, क्या बनता? इमरजेंसी मतलब आपात के समय बजट, आपात के समय बजट लाना। तो आपात जब इमरजेंसी चल रही होती है, राष्ट्रीय आपात चल रहा हो, राष्ट्रपति शासन चल रहा हो, तो उस समय बजट कौन लाएगा? राष्ट्रपति लाएगा। तो आपात के समय बजट जो लाता है कौन लाता है? राष्ट्रपति लाएगा, ठीक है, उसी पावर से। तो ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 267 के तहत, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया। आप हमसे पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा, एक एक चीज रिलेट कर ले जाओगे, ठीक है। हाँ देखिए, रियल बुंदेलखंड ने बात छेड़ दी, सभी आर्टिकल क्रम से लिखवा दीजिए, ठीक। रियल बुंदेलखंड, अब आपको पता चल गया कि आप लोग वही स्टूडेंट हैं जो अभी तक रटे हैं और रटते रहेंगे, चाहे टीचर यहां पर जाए जितनी मेहनत कर ले। आप लोग अपना तरीका नहीं बदलोगे। कहते नहीं है जिन लोगों को सफलता नहीं मिलती वो इसी रास्ते पे चलते हैं, बाद में डिप्रेशन होकर उसको सीधा बाइकआउट कर देते हैं। लेकिन हमेशा एक कोटेशन आपने पढ़ी होगी, सफलता अगर ना मिल रही हो तो अपना लक्ष्य मत बदलो, तरीका बदल दो। लेकिन आप तरीका नहीं बदलना चाहते तो सफलता दूर है, कोसों दूर है। बहुत क्रांति हो गई, पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, अब यूट्यूब पे हम डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा तरीका बदलो, याद रखिएगा। अगर तरीका बदलोगे तभी आपको सफलता वहां पर मिलेगी। अब जैसे ये बना रहा हूं तो ये फालतू का थोड़े, ये एक एक आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कभी अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, तब आप देखिएगा कि सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। अरे रियल बुंदेलखंड, आप हमको पढ़ाने दो, आप हमें समय तो दो। आप लोग क्यों इतना ज्यादा परेशान होते हो? बबीता जी, हम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो बच्चों के जो माइंडसेट हैं वो शायद थोड़ा सा बदल जाएं। एक बच्चे का भी माइंडसेट हमारे कुछ बताने से अगर बदल रहा है तो बहुत बड़ी चीज है, वरना फिर लाइव का मजा ही क्या है। रिकॉर्डेड वीडियो भी बना के हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वाला पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ेगा। बट जो बच्चा नहीं पढ़ रहा था, जो बच्चा का माइंडसेट अलग है, अगर थोड़ा सा हमने उसको बता दिया शायद आगे वो गलती ना करे ऐसी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रियल बुंदेलखंड थोड़ा सा विश्वास रखो हम पे, हम आपको रोज यही कहते हैं, अगर विश्वास आप रखते हो हमारे समय तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बस वित्तीय पावर में यही अगर चार पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चार पॉइंट याद होगा, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे सैन्य शक्तियों के बारे में, जिसको बोलते हैं मिलिट्री पावर्स, ठीक है। राजेंद्र मेघवाल, नमस्ते नमस्ते बेटा। हाँ, ध्यानचंद जाट सर, फैन विल बी नेक्स्ट क्लास सैटरडे 8 PM कल, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। सैन्य पावर्स, मिलिट्री पावर्स, बहुत अच्छे से। चलिए
इसको ऊपर करते हैं। तीसरी पावर्स राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में क्या है? सामान्य शक्तियों में राष्ट्रपति की तीसरी पावर है सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स, सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स। इस पर कुछ ज्यादा खास नहीं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति जो है थल सेना, वायु सेना और जल सेना, और जल सेना तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, चाहे प्रधान कह लो चाहे सर्वोच्च कह लो, बात एक ही है। चाहे प्रधान कह लो चाहे सर्वोच्च कह लो, बात एक ही है। प्रधान सेनापति होता है तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत है ये? ये आर्टिकल के तहत बात कही गई है, ये कभी नहीं पढ़ोगे आप लोग, 53 का 2। जो कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन आर्टिकल 53 के 2 के तहत यही बात कही गई है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान सेनापति होता है। आसानी से आपको पता चल गया होगा, ठीक है, आसानी से याद रखिएगा। अब बात आती है इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होता है, इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट कौन करेगा? सिंपल सी बात है, कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंट इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को, नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे जो अगला पॉइंट आएगा क्या आएगा कि राष्ट्रपति को इतनी पावर प्राप्त है कि वो युद्ध की घोषणा एवं समाप्ति कर सकता है, लेकिन संसद की अनुमति के साथ। यहां पे आप लिख सकते हो सैन्य शक्ति मिलिट्री पावर्स के अंतर्गत इसको पावर प्राप्त है, युद्ध की घोषणा मतलब युद्ध की शुरुआत एवं समाप्ति राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन किसके द्वारा? संसद की अनुमति के द्वारा, संसद की अनुमति के माध्यम से। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछूंगा? तीनों ये सेनाएं हमने लिख दी, आर्मी एयरफोर्स नेवी, तीनों सेनाओं के दिवस बता दो, किस दिन क्या मनाया जाता है? जल्दी बताइए फटाफट। धर्मेंद्र गुर्जर एक न्यू है सीडीएस, चीफ डिफेंस जो कमेटी है, चीफ डिफेंस स्टाफ जिसके प्रमुख बिपिन रावत हैं इस समय, तो वो एक न्यू सेना नहीं है, वो इन तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट करो बच्चों, तीनों सेना, जो तीनों सेना है आर्मी एयरफोर्स नेवी, इनका दिवस कब मनाया जाता है? देखते कितने लोगों को पता है। जल्दी बता दीजिए, जल्दी इस कमेंट करके बता दीजिए कितने लोगों को पता है। चलिए बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति प्रजापति, क्या बात है। जितने लोगों ने हमारे मैराथन क्लास में दिवस पढ़े थे वहां पर हमने बताए थे, जो मैराथन क्लास दूसरी हुई थी उसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था तो याद रखिएगा, जो थल सेना होता है वो मनाया जाता है 15 जनवरी, जो वायु सेना होता है 8 अक्टूबर, और जो जल सेना नेवी डे होता है ये होता है 4 दिसंबर। और करंट में इनके प्रमुख जरूर याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो तीन शक्तियां हमने पढ़ी, कौन कौन सी? न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, और एक एक क्वेश्चन यहां से निकल के आया है। ठीक है, आसानी से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब साथियों हम लोग कल मिलेंगे रात को 8 बजे, ठीक है। तो कल जो
बची हैं कार्यकारी शक्तियां भी पढ़नी है हम लोगों को, कूटनीतिक शक्तियां पढ़नी है और विधायी शक्तियां पढ़नी है, उसके बाद आपातकालीन शक्तियों में हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो साथियों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो कितने बच्चों को आज की क्लास मजा आई, और कितने बच्चे को समझ में आया, कितने बच्चों ने नोट्स बनाया, कितने बच्चों को मजा आया, जल्दी बताइए कमेंट करके फटाफट। सभी लोगों को उम्मीद करते समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को, जिनका वीडियो का लाइक छूटा हो तो लाइक तो दबा दो, ठीक है। और हाँ, कल सुबह 8 बजे ज्योग्राफी का टेस्ट है, सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का, जो हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए, एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ते चलेंगे और एक एक टॉपिक का हम लोग टेस्ट करते चलेंगे, तो अच्छे से मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों को मजा आ गया ना, मजा आया और समझ में आया, दिमाग में छप गया ना सभी को, बहुत बढ़िया बच्चा, क्या बात है। ध्यानचंद जाट, आप सारे नोट्स बना रहे पावर्स के, आप बनाते रहो। और जिन बच्चों ने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पॉल्टी बाई राघव सर, उसमें आप एक एक क्लास पूरा बना लो नोट्स, ठीक है। चलिए हाँ, राष्ट्रीय कर्मा है क्लास कल ज्योग्राफी मॉर्निंग में 8 बजे, 8 बजे क्लास होगी ज्योग्राफी की। और कल टेस्ट है आप लोगों का सौर मंडल का, 100 क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। जितना हमने पूरा पढ़ाया सौर मंडल का, जिन बच्चों ने ना पढ़ा हो वो अभी प्लेलिस्ट में जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा का पूरा कवर कर लो सौर मंडल, देखते हैं कल कितने लोग आप लोग पास हो पाएंगे। चलिए दोस्तों, बैटरी भी चली गई, नो सिग्नल भी होगा, चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग विदा लेते हैं, मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।